आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं क्या आप अपना स्पाइस मनी की रिटेलर आईडी को किसी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में मैपिंग करना चाहते हैं, या आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर बदलना चाहते हैं, अपना डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज करना चाहते हैं, या अपना रिटेलर आईडी को मैपिंग करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी विस्तार से बताएंगे। अगर आप पहले रिटेलर थे और आप खुद डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं, तो अपने रिटेलर आईडी को अपने डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर कैसे मैपिंग कर पाएंगे खुद से। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करना चाहते हैं तो अपना न्यू डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कर सकते हैं। तो रिटेलर मैपिंग कैसे होता है, पूरी चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि स्पाइस मनी में रिटेलर मैपिंग कैसे होता है। इस वीडियो में आपको दो तरीके से बताने वाला हूँ, दो तरीके से किसी भी एक तरीके को फॉलो करके आप अपने रिटेलर आईडी को मैपिंग करवा सकते हैं। अगर आपको स्पाइस मनी रिटेलर आईडी चाहिए, या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी चाहिए, या सब डिस्ट्रीब्यूटर आईडी चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में कैसे आप बन सकते हैं। लेकिन चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो के टॉपिक की ओर कि स्पाइस मनी रिटेलर आईडी को किस तरह मैपिंग करते हैं। अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर है और चाहते हैं कि सब डिस्ट्रीब्यूटर के आईडी में और रिटेलर को मैपिंग करने के लिए, तो उसको भी आप किस तरह मैपिंग करवा सकते हैं आज के इस वीडियो में जानेंगे। रिटेलर आईडी मैपिंग करने का दो तरीका है। सबसे पहला तरीका है जो आप अपने स्टेट के एम्प्लॉयर जो है स्पाइस मनी एम्प्लॉयर, उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए और उनको बोलिए कि मैं अपना रिटेलर आईडी मैपिंग करवाना चाहता हूँ, तो वो आपका रिटेलर आईडी मैपिंग करवा देंगे। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो और चाहते हैं कि अपने सब डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर आईडी मैपिंग करवाने के लिए उसके लिए आप अपने एम्प्लॉयर से संपर्क कर लीजिए अपने के स्टेट के, तो उनसे आप करवा सकते हैं। नहीं तो आप खुद से कर सकते हैं। खुद से करने के लिए आपको अपना जो भी आपका रिटेलर आईडी का अकाउंट होगा उसमें जो भी आपका ईमेल आईडी रजिस्टर होगा, रिटेलर आईडी में जो भी आपका ईमेल आईडी रजिस्टर है उस ईमेल आईडी को ओपन करना और यहाँ पे कंपोज करना और एक मेल करना है। आपको कैसे पता चलेगा आपका रिटेलर आईडी में कौन सा ईमेल आईडी रजिस्टर है, उसके लिए आपको स्पाइस मनी को लॉगिन करना होगा। यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एजेंट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, आपकी पूरी डिटेल शो कर देगा, आपकी कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, कौन सा रजिस्टर, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे एजेंट प्रोफाइल में दिख जाएगा। तो यहाँ से आप अपना ईमेल आईडी जान सकते हैं रजिस्टर कौन ईमेल आईडी है, और आपको उस ईमेल आईडी से कस्टमर केयर को मेल करना होगा। यहाँ पे आपको मेल करना होगा customercare@spicemoney.com पे, जो ईमेल आईडी आपको वेबसाइट पे यहाँ पे दिया जाता है customercare@spicemoney.com पे, इस पर आपको एक मेल करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखना होगा आपका रिटेलर आईडी मैपिंग, सब्जेक्ट में आपको लिखना होगा रिटेलर आईडी मैपिंग। उसके बाद यहाँ पे मैसेज में क्या लिखना है वो भी हम आपको बता देते हैं। और ये मैसेज में जो लिखना है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप कॉपी करके अपनी डिटेल डाल के आप उस मैसेज को सेंड कर सकते हैं अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से। मैसेज में आपको लिखना है डियर टीम, किंडली मैप माय रिटेलर आईडी इन दिस डिस्ट्रीब्यूटर आईडी। उसके बाद आप अपना नाम देना होगा, अपना रिटेलर आईडी देना होगा, जो भी आपका रिटेलर आईडी होगा वो रिटेलर आईडी देंगे, और अपना यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर देंगे। उसी के साथ साथ जिस डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में अपना रिटेलर आईडी मैपिंग करवाना चाहते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी देंगे और उसका नाम देंगे, ठीक है। ये छोटा सा एक मैसेज लिखेंगे, ठीक है, इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी करके अपनी डिटेल डाल के आप मेल कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल देने के बाद आपको सेंड पे क्लिक करना होगा। जब आप सेंड कर देंगे तो आपको कस्टमर केयर की ओर से एक रिप्लाई मिल जाएगा, डियर आपका नाम रहेगा, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है जो टीम रिटेलर आईडी को मैपिंग करती है उसके पास आपका जो ये रिक्वेस्ट है भेज दिया गया, फॉरवर्ड कर दिया गया है, प्लीज वेट फॉर सम टाइम। यहाँ पे कह रहे प्लीज वेट कीजिए, आपका जो रिटेलर आईडी मैपिंग है ये हो जाएगा, जो टीम मैपिंग करती है उसके बाद आपका जो रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ प्लीज वेट फॉर सम टाइम, यहाँ पे कुछ वेट कर लेना होगा 2-3 दिन, उसके बाद जो आपका रिटेलर आईडी है वो आपका मैपिंग हो जाएगा। यही तरीका था नॉर्मल सा जिसकी मदद से आप अपना रिटेलर आईडी को मैपिंग करवा सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर अगर चाहते सब डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर आप मैपिंग करवाने के लिए कुछ रिटेलर आईडी को, तो आपको इसी तरह एक मेल करना होगा और उसमें आपको नीचे में आपको किस किस रिटेलर को
के आईडी को मैपिंग करवाना होगा, उसका आईडी नाम के साथ मेंशन आपको करना होगा और भेजना होगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर रिटेल आईडी मैपिंग करवाना चाहते हैं एक साथ कई, तो आपको एक ही मेल में सभी रिटेलर का नाम और रिटेलर आईडी देना होगा और अपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी उससे मेल करना होगा। ठीक है, ये तो हो गया रिटेलर आईडी मैपिंग के लिए। ये रिटेल आईडी मैपिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका है, मेल कर दिए। मेल की मदद से आपका रिटेल आईडी मैपिंग हो जाता है, क्योंकि मैंने ट्राई भी किया और मेरा रिटेल आईडी मैपिंग भी हो चुका है। उसी की बेसिस पे मैं आज की इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपको रिटेलर आईडी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया हूँ, आप हमसे जुड़ के रिटेलर आईडी लेके काम कर सकते हैं। या आपको सब डिस्ट्रीब्यूटर आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ, स्पाइस मेन्यू क्या क्या सर्विस आपको मिलने वाला है उसके बारे में भी आप कुछ जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने देख पा रहे स्पाइस मेन्यू के पोर्टल को लॉगिन कर चुका हूँ और यहाँ पे सर्विस की बात कर ले, यहाँ पे AAPS दिया जाता है, आधार कार्ड से रुपया निकासी चेक वगैरह के लिए। और यहाँ से यस बैंक का मनी ट्रांसफ़र है और यहाँ से इंडसलैंड बैंक का मनी ट्रांसफ़र है और यहाँ से स्पाइस मनी खुद मनी ट्रांसफ़र करती है। यहाँ पे आप को तीन चार बैंक से मनी ट्रांसफ़र मिल जाता है और यहाँ से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, LIC का पेमेंट कर सकते हैं, बिजली बिल जमा कर सकते, TV रिचार्ज कर सकते हैं। मिनी मैजिक कैश, मतलब मैजिक कैश के माध्यम से आप बिना अकाउंट नंबर के किसी को रुपया भेज सकते हैं और रुपया प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ भी कैश कलेक्शन कर सकते हैं, मतलब कोई लोन वगैरह लिया हो किसी भी तरह का, उसका आप पेमेंट यहाँ से कैश कलेक्शन कर सकते हैं, या कोई भी लोन लिया तो उसका किस्त आप जमा कर सकते हैं कैश कलेक्शन मदद से। होटल की बुकिंग कर सकते हैं, ट्रेन टिकट बुकिंग कर सकते हैं, आधार पे कर सकते हैं, ATM मशीन यहाँ से खुद से परचेज कर सकते हैं, मिनी ATM प्रिंटर कर सकते हैं, ATM एक्सप्रेस मिनी ATM, बस सेवा, मार्केटिंग किट, उसी के साथ बायोमेट्रिक ड्राइवर यहाँ से डाउनलोड कर, यहाँ पर अपना बैंक चुन के आप कौन सा बैंक से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें चार बैंक काम करती है, फिनो भी काम करती है, इंडसलैंड भी, यस बैंक और एक्सप्रेस मनी खुद का एक DMT है। और यहाँ से वॉलेट असेंबली, यहाँ से फ्लाइट टिकट बुकिंग, यहाँ से बिल पेमेंट भी आप कर सकते हैं, यहाँ से नया पैन कार्ड सुधार और नया बना सकते और सुधार करते हैं, यहाँ पर डिजिटल गोल्ड वगैरह सेल और खरीद सकते, और यहाँ से अपना QR कोड प्रिंट कर सकते, और कोई भी पेमेंट आपको QR कोड स्कैन करके करेगा तो वो जो आपका पेमेंट है आपको स्पाइस मनी वॉलेट में आ जाएगा। यहाँ पे अकाउंट मिलता है और यहाँ पे अपने आपके अकाउंट की पूरी जानकारी मिलती है, यहाँ से अपनी वॉलेट की पूरी समरी वगैरह जान सकते, चेंज पासवर्ड कर सकते, कमीशन स्ट्रक्चर, अपना अर्निंग रिपोर्ट, पूरी चीज़ आप यहाँ से जान सकते। और ट्रेन पर क्लिक करके बुक टिकट, प्रिंट टिकट, कैंसिल टिकट, IRCT हिस्ट्री, डाउनलोड सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड, टर्म्स एंड कंडीशन, चेक बुकिंग स्टेटस, PNR स्टेटस, बुकिंग सर्च, यहाँ पे आपको पूरी रेलवे की मिल जाती है। APS मनी ट्रांसफ़र, फ्लाइट मोड में आपको बिल पेमेंट, रिचार्ज, बस, इस तरह से मिली। यहाँ पे मार्केटिंग किट से आप अपना पोस्टर वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं जो प्रिंट करके अपने शॉप पर लगा सकते हैं। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, यहाँ पर आपको बहुत सारी और सुविधा मिल जाती है। यहाँ से BC सर्टिफिकेट क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप केयर की मदद ले सकते हैं। तो ये स्पाइस मनी आपको सर्विस मिल जाती है। अगर आपको इसको रिटेलर आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी या सब डिस्ट्रीब्यूटर आईडी चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो में आप पूरी तरह जान गए होंगे किस तरह रिटेलर आईडी को मैपिंग करवाते हैं।